हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि दोस्तों आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं आपका भाई राहुल कुमार तिवारी आपको तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब मेकर पर। दोस्तों, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी भी शोर मचा दे। ठीक है दोस्तों, आज हम आपके सामने लेकर के आए हैं नंबर में सम इंपॉर्टेंट रूल्स में। इसके पहले नंबर का हमने दो वीडियो बनाया है, एक बेसिक और एक कुछ रूल्स का। ठीक है, 6 रूल्स का हमने बना रखा है, यहां पर हम लेकर क्या है 7वां रूल। तो प्लीज पहले आप जाकर के उन वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि इसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, नीचे आप जाकर के जरूर एक बार पढ़िएगा। ठीक है, अब आते हैं रूल पे। रूल क्या है, 7 नंबर रूल है कि जब सिंगुलर नाउन के अंत में एफ या एफ ई हो। दोस्तों, सभी रूल को आप क्या कीजिएगा कि वीडियो को पॉज करके रोक करके नोट करते जाइएगा। ठीक है, और दोस्तों तक लिंक को शेयर करते रहिएगा। तो जब सिंगुलर नाउन के अंत में एफ या एफ ई हो, तो प्लुरल बनाते समय एफ या एफ ई को क्या किया जाता है, साफ हटा दिया जाता है, और हटाने के बाद पुनः भी को जोड़ दिया जाता है, और जोड़ करके फिर ईएस लगाया जाता है। यानी कि सिंगुलर नाउन के अंत में एफ या एफ ई हो तो एफ या एफ ई को हटा करके भी ई एस जोड़ा जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखिएगा, वाइफ। ठीक है, वाइफ लास्ट में क्या है, एफ ई है, इसको हटाएंगे, इसको क्या करेंगे हटाएंगे, डब्ल्यू आई तो आ गया, एफ ई हट गया, और हटने के बाद क्या जुटेगा, वी ई एस, यानी कि वाइफ्स। अगर लिखे यहां पर लाइफ, ध्यान से देखिएगा, लाइफ जीवन, यहां भी एफ ई है तो क्या हो जाएगा, ये हट जाएगा, तो लाइफ्स। अगर लिखेंगे थीप, थीफ, देखिए तो लास्ट में क्या है, एफ है तो थीप्स हो जाएगा। इस तरह से एफ या एफ ई को हटा करके भी ई एस लगाते हैं दोस्तों। लेकिन कुछ ना कुछ इसमें एक्सेप्शन केस है, अपवाद है। क्या है, थोड़ा सा आप देखिएगा, पहले हम इसको मिटाते हैं। एक्सेप्शन केस में क्या है, आप उसका सिंगुलर से प्लुरल कैसे होगा इसको आप समझने का कोशिश कीजिएगा। कुछ खास नहीं है, बट है क्या है, यदि यहां पर हमने लिख दिया प्रूफ, ठीक है, प्रूफ, इसके अंत में भी क्या है, एफ है, लेकिन जब आप इसको बनाइएगा ना प्लूरल, तो कुछ नहीं, सिर्फ प्रूफ लिखिएगा और लास्ट में क्या, एस। अगर लिखिएगा हुप, हुफ, हुफ मतलब होता है जैसे कि गाय भैंस ये सब का जो खुर होता है ना, पैर का नीचे का खुर, उसको बोला जाता है, तो इसका भी क्या हो जाएगा, हुफ्स। इस तरह से जैसे चीफ, चीफ, चीफ यानी कि मुख्य जो होता है, इसका भी क्या हो जाएगा, इस तरह से ये नोट में आएगा, और इसमें एग्जांपल्स हो सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं नोट नंबर 8 में। देखिए रूल नंबर 8 को क्या बोल रहा है कि कुछ नाउन के अंदर के भावेल को, यानी कि जो मीनिंग लिखा होगा नाउन का, उसके अंदर के भावेल को क्या किया जाता है, बदल करके प्लुरल बनाया जाता है। कहने का मतलब कि यहां पर ध्यान से देखिएगा, जैसे हमने लिख दिया मैन, मैन मीन्स आदमी, तो अंदर इसके अंदर का भावेल क्या है, ए, तो इसका जो प्लुरल बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, मेन, ए को ई में बदल दिया। जैसे ले लीजिए ओमैन, यानी कि औरत, इसका क्या हो जाएगा, ओ मेन, औरतें। ठीक है, जैसे ले लीजिए माउस, माउस, माउस मीन्स दोस्तों क्या होता है, चूहा, तो माउस का हो जाएगा माइस। ठीक है, अच्छा ले लीजिए तूत, दांत का, तो क्या हो जाएगा, ओ ओ जो है ना, ओ ओ, ये बदल जाएगा ई ई में, ओ ओ ई ई में टीथ हो जाएगा। ठीक है, जैसे ले लीजिए गुज, गुज, गुज मीन्स क्या होता है, हंस, तो गुज का हो जाएगा गीज। इस तरह से दोस्तों ईटीसी और सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। अब आते हैं अगले रूल पे दोस्तों।
रूल नंबर 9 क्या बोल रहा है कि कुछ नाउन के अंत में en लगा करके सिंगुलर से प्लूरल बनाया जाता है। कुछ नाउन के अंत में क्या किया जाता है, en लगा करके सिंगुलर से प्लूरल बनाया जाता है। जैसे ऑक्स, ध्यान से, ऑक्स का क्या हो जाएगा, ऑक्सेन। कैसे, en लगा दिया। ठीक है दोस्तों, एक चीज यहां पर याद रखिएगा, ऑक्स का ऑक्सेन हो सकता है, लेकिन बॉक्स का यदि आप लिख रहे हैं बॉक्सेन तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हमने बताया है कि एक्स के बारे में हमने बताया है कि यदि एक्स हो लास्ट में तो इसमें क्या लगाते हैं, ईएस लगाते हैं, बॉक्सेस होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऑक्स के कुछ ऐसे होते हैं, मीनिंग ऐसे होते हैं जिसके अंत में ईएन लगा देने से वो क्या बन जाते हैं, प्लूरल बन जाते हैं। जैसे आइए चाइल्ड, ठीक है, चाइल्ड का क्या हो जाएगा, चिल्ड्रेन, ईएन लास्ट में क्या लगा दिया, लास्ट में लगा ना, ईएन लगा दिया तो क्या बन गया, इस तरह से ये सिंगुलर से प्लूरल बन जाएगा। ये बच्चा बच्चे, बैल बैले, ठीक है, इस तरह से। अब अगले रूल पे आते हैं दोस्तों, रूल नंबर 10, कंपाउंड नाउन का प्लूरल क्या होता है, प्रायः उसके मुख्य शब्द को प्लूरल बनाने से होता है। कंपाउंड नाउन कहने का मतलब कि यौगिक सटा हुआ रहेगा मीनिंग। जैसे ध्यान से देखते जाइएगा, जैसे सन, फिर ऐसे रहेगा इन, फिर ऐसे रहेगा ला, सन इन ला, सन इन ला का मतलब, देखिए सन मीन्स बेटा, लेकिन इन ला लगा दिया तो वहां पर हो जाएगा दामाद। सन इन ला मतलब क्या हो जाएगा, दामाद। अब जब इसका प्लूरल बनाना हो तो क्या करेंगे, इसके मुख्य जो शब्द है इन और ला, ये मुख्य नहीं है, क्या है, सन है, तो क्या लग जाएगा, सन में लग जाएगा एस, यानी कि सन्स इन ला, इस तरह से। जैसे डॉटर इन ला, डॉटर इन ला, ठीक है, तो यहां भी क्या है, डॉटर इन ला, तो डॉटर्स इन ला क्या हो जाएगा इसका, डॉटर्स इन ला। ठीक है, अगर यहां पर लिख दे मैन, मैन ऑफ वार, अच्छा डॉटर इन ला मतलब पतो, डॉटर इन ला मतलब क्या हो जाएगा, पतो। फादर इन ला ससुर, ठीक है, फादर इन ला, मदर इन ला सास, तो फादर का क्या हो जाएगा, फादर्स इन ला, मदर का मदर्स इन ला, इस तरह से इसका प्लूरल होता है। यहां पर देखिए मैन ऑफ वार यानी कि जंगी जहाज, क्या होगा, मैन ऑफ वार यानी कि जंगी जहाज, तो सिर्फ इसके मेन पार्ट क्या है, मैन, तो मैन का हो जाएगा मेन, ठीक है, मैन ऑफ वार क्या हो जाएगा, मैन ऑफ वार, इस तरह से आप इसका और भी एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं रूल नंबर अगला दोस्तों, यहां पर देखिए रूल नंबर 11 कि कुछ कंपाउंड नाउन्स के दोनों भागों का प्लूरल बनाया जाता है और दोनों भागों की जो प्रधानता होती है एकदम एक समान होती है, इक्वल होता है, बराबर होता है। जैसे आप समझेंगे आराम से कि हमने लिखा कि मैन सर्वेंट का मतलब होता है एक नौकर, ठीक है, मैन सर्वेंट, और यदि एक से अधिक नौकर हो तो वहां पर हम क्या बोलेंगे, तो मैन का हो जाएगा, अभी हमने आपको बताया था कि मैन का होता है मेन, और सर्वेंट में आप लगा दीजिए लास्ट में एस, यानी कि मेन सर्वेंट्स, इस तरह से मैन सर्वेंट का हो जाएगा मेन सर्वेंट्स। यदि हमने लिखा ओमैन डॉक्टर यानी कि महिला चिकित्सक, तो क्या हो जाएगा, ओमेन, और फिर क्या है, डॉक्टर है ना, तो डॉक्टर्स, इस तरह से ये हो जाएगा। यदि हमने लिखा जेंटलमैन फॉर्मर
जेंटलमैन फार्मर का क्या होता है, यानी कि पुरुष किसान, एक तरह से किसान, पुरुष किसान जेंटलमैन फार्मर का हो जाएगा, जेंटलमैन, जेंटलमैन है ना, तो क्या हो जाएगा, जेंटलमैन, जेंटलमैन। और फिर फार्मर का हो जाएगा फार्मर्स। इस तरह से इसका और आप एग्जांपल्स ले सकते हैं। अब अगला रूल दोस्तों, इस रूल को देखिए क्या है कि कुछ नाउन्स के सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही क्या होते हैं, सेम होते हैं। यानी क्या हो सकता है, वैसा कौन नाउन हो सकता है जिसका सिंगुलर भी और प्लूरल भी दोनों एक ही हो सकता है, तो सोचिए क्या हो सकता है। पहला सिप यानी भेड़। यदि आप एक सीप को भी देखिएगा, एक भेड़ को देखिएगा तो बोलिएगा कि भेड़, और एक से अधिक भी होगा तो बोलिएगा भेड़, क्योंकि वो लोग क्या रहते हैं, हमेशा एक झुंड में रहते हैं। डियर हिरन भी हो सकता है, पाइस पैसा हो सकता है, ठीक है, सीरीज श्रृंखला हो सकता है, पुलिस, एक पुलिस वाला आ जाए तो बोलेगा कहाँ पुलिस, और एक से अधिक बोलते बोलेंगे कहाँ पुलिस आई है, इस तरह से, ठीक है। इनिंग यानी कि जो पाली होती है, जैसे होता है ना क्रिकेट मैच होता है, फुटबॉल मैच होता है, तो होता है ना कि एक पाली हो गया है, एक इनिंग हो गया है, अब दूसरा इनिंग खेलने वाली है, तो इस तरह से। यानी कि इसका सिंगुलर और प्लूरल दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं, बराबर होता है, सिंगुलर में भी बोल सकते हैं और प्लूरल में भी बोल सकते हैं। तो क्या क्या होता है याद रखिएगा, सिप भेड़, डियर ठीक है, पुलिस ठीक है, सिप डियर भेड़, सीरीज ठीक है, इनिंग, पाइस, मतलब कहने का मतलब कि ये सब जो होते हैं ना क्या होते हैं, एकदम इनका सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही बराबर होता है, इस तरह से ईटीसी। ये हो गए आपके सामने एग्जांपल। अब अगला रूल इसका दोस्तों, रूल नंबर 13 देखिए, बोल रहा है कि कुछ नाउन का प्रयोग केवल प्लूरल नंबर में ही होता है, यानी कि उनका सिंगुलर होता ही नहीं है, सोच भी नहीं सकते। जैसे कि भिक्षा, तो भिक्षा तो एक चावल का दाना नहीं ना मिलेगा, उसमें इतना चावल होगा, तो इतना चावल यानी कि एक से अधिक है, तो क्या रहेगा, प्लूरल ठीक है। संपत्ति, किसके, किसी के पास अथाह संपत्ति है, तो संपत्ति कभी क्या होगा, संपत्ति भी बोलते हैं, बोलेंगे कि एक रुपया भी नहीं है, नहीं, संपत्ति यानी कि बहुत सारा धन होगा ठीक है। तो आल्म्स, एसेज, रिचेज, राख भी हो सकता है, राख कहने का मतलब कि लकड़ी हो, गोईठा हो, ये सब का जला हुआ जो भी बचेगा वो क्या हो जाएगा। अच्छा, ताश, ताश आप देखे होंगे, ताश, ताश में 52 कार्ड होते हैं, यदि उनमें से एक भी कार्ड हट गया तो फिर ताश लोग नहीं खेल पाएंगे ठीक है। तो इस तरह से ये सब क्या होते हैं, हमेशा प्लूरल में ही होते हैं। तो लिख लें, आप आराम से इसको नोट करते जाइएगा ठीक है, वीडियो को पॉज करते जाइएगा, लिखते जाइएगा जरूर ठीक है। जैसे आल्म्स, आल्म्स ठीक है, आल्म्स मीन्स भिक्षा। उसके बाद ले लीजिए एसेज, एसेज मीन्स राख ठीक है, रिचेज यानी कि संपत्ति, थैंक्स, थैंक्स यानी कि धन्यवाद, यह भी कम नहीं होता है, हमेशा ज्यादा मात्रा में मिलता है ठीक है। कार्ड्स, कार्ड्स मीन्स ताश, ईटीसी, और इसमें सारे एग्जांपल्स आप ले सकते हैं ठीक है। अगला रूल पे आइए, रूल नंबर 14 दोस्तों, रूल नंबर 14 देखिए क्या, कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो हमेशा पेयर के रूप में रहते हैं, जोड़ा के रूप में रहते हैं, युगल के रूप में रहते हैं। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो हमेशा कैसे रहते हैं, जोड़ा के रूप में रहते हैं, यदि उनका एक पार्ट, एक भाग क्या हो जाए, बेकार हो जाए, खराब हो जाए, तो वे क्या हो जाते हैं, पूर्ण रूप से बेकार हो जाते हैं। सोचिए कैसे, मान लीजिए कि आप चश्मा पहने हैं, चश्मा का यदि एक पार्ट यहां से निकाल दिया गया, एक यहां का शीशा जो है उसका गूगल से उसको निकाल दिया गया, तो फिर आप चश्मा नहीं पहन सकते। मान लीजिए कि आप पैंट पहने, ट्राउजर पहने, तो ट्राउजर में से एक पार्ट को काट करके हटा दिया जाए तो दूसरा पार्ट भी क्या हो जाता है, बेकार हो जाता है। यानी कि ये होते हैं एक ही, लेकिन इनके पार्ट होते हैं दो, हमेशा पेयर के रूप में रहते हैं, यानी कि प्लूरल में ही ये रहते हैं ठीक है। कैंची, एस्किजर्स, एस्किजर्स में क्या होता है, वो भी दो होता है। एस्कल्स, तराजू, तराजू में इसके दो पलड़ा होते हैं, यदि एक पलड़ा को हटा दीजिए तो दूसरा किसी काम लायक नहीं होता
है, ठीक है। तो कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिन जो कि हमेशा जोड़ा के रूप में रहते हैं, यदि उनका एक भाग खराब हो जाए तो वे क्या होते हैं, बेकार हो जाते हैं, और वास्तव में वे क्या होते हैं, प्लुरल होते हैं। जैसे आप लिख सकते हैं टोंग्स, टोंग्स, टोंग्स मीन्स क्या होता है, चिमटा, टोंग्स मीन्स चिमटा। दोस्तों इसको आप लिखते जाइएगा, ठीक है, हिंदी भी लिखते जाइएगा, हम मैं बोलते जा रहा हूं। उसके बाद आप लिख सकते हैं एस्किजस, एस्किजस, एस्किजस मीन्स कैंची, ठीक है। उसके बाद आप लिख सकते हैं स्कल्स, स्कल्स, स्कल्स मीन्स तराजू, इस तरह से इटीसी, और आप एग्जांपल्स ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और अगले रूल पे आते हैं दोस्तों, ये है आपका नंबर का सबसे लास्ट, सबसे लास्ट क्या रूल, कि कुछ नाउन्स का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर नंबर में ही किया जा सकता है, इसका प्लूरल कभी नहीं होगा। जैसे मनी, मनी, म्यूजिक, फिजिक्स, फिजिक्स, पी एच वाई एस आई सी एस, लास्ट में एस है लेकिन वो क्या है, सिंगुलर है क्योंकि वह एक सब्जेक्ट है। मैथमेटिक्स, लास्ट में एस है लेकिन क्या है, सिंगुलर है, इस तरह से, ठीक है। न्यूज, ध्यान से देखिएगा, न्यूज, न्यूज में क्या होता है, एन ई डब्ल्यू एस, यानी यहां पर क्या दिख गया, एस, एस दिखने का मतलब क्या, न्यू में एस लगाया है, न्यू में, न्यू मतलब नया, इसमें एस लगाया है, गलत। ये जो न्यूज है ये क्या है, समाचार पत्र है। एन नॉर्थ, ई मतलब ईस्ट, डब्ल्यू मतलब वेस्ट, और एस मतलब साउथ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये मिलकर के बनाया है न्यूज, यानी कि ये भी क्या है, सिंगुलर है, ठीक है। तो एग्जांपल आप लिख सकते हैं, जैसे पोएट्री, पोएट्री यानी कि काव्य, ठीक है, पोएट्री काव्य हो सकता है, फिर मनी हो सकता है, ठीक है, म्यूजिक हो सकता है, इस तरह से। उसका मैं फिर एडवाइस ले लीजिए, न्यूज भी ले लीजिए, ठीक है, इस तरह से हो सकता है, फिजिक्स हो सकता है, एटीसी, एटीसी, आप और इसमें एग्जांपल ले सकते हैं। दोस्तों एक नोट माइंड में सेट कर लीजिए कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो कि देखने में तो एकदम सिंगुलर दिखाई दे लगता है, जैसे कि देखने में लगता है ना कि सिंगुलर है, लेकिन वे वास्तव में सिंगुलर होते नहीं है, वो क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। पता है क्या क्या, ध्यान से देख लीजिएगा, जैसे चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन हो जाएगा, पब्लिक हो जाएगा, पीपुल हो जाएगा, ठीक है, चिल्ड्रेन, पब्लिक, पीपुल, ये क्या होते हैं, देखने में सिंगुलर महसूस किया जा सकता है, देखने में सिंगुलर, लेकिन वास्तव में सिंगुलर नहीं होते हैं, बोलने में क्या लगता है, सिंगुलर है, चिल्ड्रेन, पीपल, पब्लिक, लेकिन ये वास्तव में क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये नंबर से जितने भी हमने रूल बताया शायद आप समझ गए होंगे, यदि समझ गए तो प्लीज भागिए मत, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लिंक को दोस्तों तक शेयर कीजिए, धन्यवाद।